एमआयएम पक्षाचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज नाशिक दौऱ्यावर आले असता त्यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला। यावेळी त्यांनी भाजप केंद्र तसेच राज्य सरकारवरही सडकून टीका केली। राज्यामध्ये महागाई, बेरोजगारी तसेच शेतकऱ्यांचे प्रश्न महत्त्वाचे असताना सरकार मात्र त्याबाबत कुठेही भूमिका घेताना दिसून येत नाही, तर उलट भाजपा सरकार केंद्रात आल्यापासून अल्पसंख्याकांना जास्त त्रास होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले। महंगाई कम करो, पेट्रोल को लेकर आओ, डॉलर बढ़ते जा रहा है, आसमान को छू रहा है, गैस का सिलेंडर महिलाओं को के खरीद नहीं सक रही है, आपको खाली नाम की फिक्र है, काम की फिक्र नहीं है, तो वादे किए वो सब क्या हुआ, भूल गए? इसलिए सब ये चीज़ें इनकी नाकामी है गवर्नेंस में लोगों की, त्याचप्रमाणे लव जिहाद बाबतही त्यांनी आपले मत व्यक्त करत भारताच्या संविधानात संज्ञान झालेल्या व्यक्तीस आपले स्वतःचे मत अथवा हक्क आहे, त्या अनुषंगाने जो तो प्रेम लग्न करतो यात जातीयवाद यायला नको, अशीही भूमिका त्यांनी विशद केली। भाजपा शासित राज्यांमध्ये लव जिहाद विरोधात जो कायदा करण्यात आला आहे तो बेकायदेशीर असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले। मोहब्बत अलग चीज है और जो जिहाद है, जिहाद को आप लोग समझते हैं कि किसी के खिलाफ तलवार उठाकर किसी को मार देना, वो भी गलत है, वो समझ। अब भारत के संविधान में अगर कोई अडल्ट है उसको संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि वो अपने पसंद से किसी शादी करे। अब अगर कोई अपने पसंद से शादी करता है और अपनी ज़िंदगी गुजारता है तो उसमें त्यानंतर वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी शिवसेनेची युती केल्याबाबतच्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सूचक असे उत्तर देऊन त्यांचा प्रश्न आहे मात्र त्यांचा आदर मी आजही करतो असे सांगून त्यांनी अनेक प्रश्नांना समर्पक उत्तरे दिली। और हमारी कोशिश जब उनके साथ थी तो यही थी कि जो वंचित समाज को उनका एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, क्योंकि भारत की राजनीति में जब तक वंचित समाज का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होगा उनके सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल हेल्थ के प्रॉब्लम जो नाइंसाफी है उसका हल पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से वो गए हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ। जागर जनसंघ साठी प्रकाश दुर्वे नाशिक।